एंड वेलकम टू माय शो भाई द मैटिनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बातें करेंगे थलापति सुपरस्टार विजय द मास्टर के बॉक्स ऑफिस के बारे में। ये सबको पता है कि विजय द मास्टर हैज कलेक्टेड मोर देन 220 क्रोर्स वर्ल्ड वाइड इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और सबसे बड़ी बात 50% ऑक्यूपेसी के साथ और वर्ल्ड वाइड भी उतने अच्छी तरह से रिलीज पिक्चर नहीं हुई है, सब सिनेमा हॉल्स खुले नहीं है। और जिस तरह से पिक्चर रिलीज होती थी पहले कोविड के पहले, जिस तरह से 30 शोज 20 शोज में रिलीज होती थी, वैसे पिक्चर रिलीज नहीं हुई है। इसके बावजूद पिक्चर ने 220 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है वर्ल्ड वाइड। तमिलनाडु में ही सिर्फ इस पिक्चर ने 110 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। यानी कि कितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं जो कोविड के पहले जिनकी फिल्में रिलीज होती थी उनका लाइफ टाइम कलेक्शन 100 करोड़ भी नहीं होता था। जो अपने आप को सुपरस्टार कहते थे, कितने एक्टर्स हैं जो के समझते कि वही बॉलीवुड चलाते, उनका बिजनेस लाइफ टाइम 100 करोड़ भी नहीं होता था। और इन्होंने 50% ऑक्यूपेसी में 110 करोड़ रुपया सिर्फ तमिलनाडु में कमाया और वर्ल्ड वाइड 220 करोड़। यानी कि अगर इसको 100% ऑक्यूपेसी होती तो आई थिंक द मूवी कुड हैव इजीली क्रॉस 500 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ा टाइट स्लैप उन क्रिटिक्स के बाल के गालों के ऊपर है जो कहते हैं कि साउथ के स्टार्स नहीं चलते हैं, सिर्फ साउथ में चलते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। और उससे भी बड़ा तमाचा बॉलीवुड के ऊपर है जो अपनी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज करने से डर रहे। वो अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, वो कहते उनको क्या लगता है वही बॉलीवुड चलाते हैं। जो लोग ऐसा समझते हैं, जो स्टार्स जो बॉलीवुड के कुछ स्टार्स हैं जो ऐसा समझ रहे कि वही सब कुछ है, वो लोग फिल्म रिलीज करने से डर रहे। वो लोग फेस्टिवल का इंतज़ार कर रहे हैं। और थलापति विजय द ट्रू सुपरस्टार, उन्होंने किसी से डरे नहीं, अपनी फिल्म रिलीज कर दी एंड इट्स अ ब्लॉकबस्टर। सो गाइस, बॉलीवुड के स्टार्स साउथ के स्टार के सामने अभी काफ़ी पीछे है, साउथ के स्टार बहुत आगे निकल गए। तो बॉलीवुड के स्टार से मेरा ये विनंती है, आप अपनी फिल्म रिलीज कर दो, किसी फेस्टिवल सीजन या किसी स्पेशल डे के लिए इंतज़ार मत करो। अगर फिल्म आप में दम रहेगा, आपका क्रेज रहेगा, तो 50% ऑक्यूपेंसी में भी आप 300 करोड़ पार कर सकते हो, यही मेरा कहना है। तो अ बिग बिग सल्यूट टू सुपरस्टार थलापति विजय द मास्टर, सुपरस्टार विजय, विजय सेतुपति, द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ विजय द मास्टर फॉर द सुपर ड्यूपर सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। आई एम श्योर उनका कुछ और एक फिल्म आ रही है थलापति 66 समथिंग लाइक दैट, तो वो पिक्चर आएगी तो पब्लिक टूट पड़ेगी बॉक्स ऑफिस पे 100% ऑक्यूपेंसी के साथ। सो गाइस, टिल देन दिस बॉय बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।